आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा। और मैं हूं मीर भट्ट। और आज फिर से एक बार, हालांकि लग रहा था कल दीपाली जिस तरह का न्यूज फ्लो था एक समय ऐसा लग, और खासकर जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने यूएस मार्केट्स में देखी, लग रहा था कि हाँ कि शायद आज के लिए संकेत बहुत अच्छे नहीं होंगे, 9000 टेस्ट हो सकता है, ब्रीच हो सकता है। लेकिन देखिए, यही ग्लोबल मार्केट की स्ट्रेंथ है कि यूके जो कि टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, उसके पार्लियामेंट पर अटैक होने के बावजूद हमने देखा ना ही यूरोपियन मार्केट्स पर कोई खास इंपैक्ट देखने को मिला, ना ही एशियन मार्केट्स पर, एशियन मार्केट्स पर कोई खास देखने को मिला। यूएस के अपने रीजन से, जिसकी वजह से एक मिक्स्ड बैग यूएस मार्केट में हमने देखा। लेकिन डेफिनेटली एटलीस्ट ये दिखाता है कि कुछ हद तक रेजिलियंस है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडियन मार्केट के लिए अपने अलग जो क्यूज़ हैं वो एकदम से इग्नोर नहीं किए जा सकते। और इसमें आज ऐसा लग रहा है कि 9000 का लेवल जो है, जो कि कल भी मार्केट ने अच्छे से डिफेंड किया था, वो आज भी डिफेंड हो सकता है अच्छे से। और अगर ये होता है तो अच्छा ही होगा स्ट्रक्चरली मार्केट के लिए, बिकॉज तीन दिन हमने सॉफ्टनेस देखी थी मार्केट में, कुछ हद तक कंसोलिडेशन देखा था, उसके बाद आज इट वोंट बी बैड अगर ये होता। हाँ, वॉलेटाइल हो सकता है आज का सेशन भी, लेकिन 9000 का लेवल प्रोटेक्टेड रहेगा आज भी। एटलीस्ट जो एशियन मार्केट्स हैं या फिर जो एसजेक्स निफ्टी है वो तो यही इंडिकेट कर रहा है। एसजेक्स निफ्टी का अगर हम अब तक का बिहेवियर देखें तो वॉलेटाइल जरूर रहा है ये ओपनिंग से लेकर अब तक, लेकिन बायस पॉजिटिव है। 24 पॉइंट्स के आसपास की बढ़त अभी भी एसजेक्स निफ्टी दिखा रहा है। आज के सेशन में इंडेक्स वॉलेटाइल रहेगा लेकिन एक्शन रहेगा। पीएसयू स्टॉक्स लाइमलाइट में रहेंगे, हिंदुस्तान जिंक फोकस में होगा, टायर स्टॉक्स एक स्पेस जहां पर एक्टिविटी दिख सकती है, तो अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्टॉक्स रहेंगे जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी इंडिकेटिव एक्शन में 8871 के लेवल्स निफ्टी पर देखे जा रहे हैं, सेंसेक्स 36 अंक ऊपर, लेकिन अभी बहुत शुरुआत है तो इसलिए ऑब्वियसली इन लेवल्स को नहीं कंसिडर किया जा सकता। अब सेंसेक्स पर देखिए, जनरली ये देखा गया है कि जो इंडिकेटिव टिक्स आते हैं उसमें पहले 4-5 मिनट निफ्टी पर काफ़ी वॉलेटाइल टिक्स आते हैं, बिकॉज वो एसजीएक्स निफ्टी की मूवमेंट प्लस इंडियन मार्केट की मूवमेंट को फैक्टर इन करता है। लेकिन सेंसेक्स का जो मूव है उसे अगर हम देखें तो करीब 1/4% के आसपास की अपसाइड एक्सपेक्ट की जा सकती है। रुपये में भी हल्की सी लेकिन स्ट्रेंथ है, 65.40 का लेवल रुपए पर इस समय देखने को मिल रहा है, यानी करीब 4-1 पैसे की मजबूती। सो ओवरऑल आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ स्टेडी ओपनिंग विद पॉजिटिव बायस। स्टेडी ओपनिंग हो सकती है, बायस पॉजिटिव रह सकता है क्योंकि रुपया भी पॉजिटिव बायस के साथ ही ओपन हुआ है, 4 पैसे की मजबूती के साथ। डिम्पी के पास चलते हैं और जान लेते हैं स्टॉक्स 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड्स, बताइए डिम्पी। शुक्रिया दीपाली। पहला शेयर होगा वेदांता, जो कि अब हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड दिया अब तक का सबसे बड़ा, उसका बड़ा बेनिफिशियरी ये है, इसलिए कन्फ्यूजन अगर आपको हिंदुस्तान जिंक में तो छोड़ दीजिए, आप वेदांता पे आ जाइए, इसको बड़ा बेनिफिशियरी है। 268 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय करके चले, 258 का एक स्टॉप लॉस है। केन इंडिया ये भी एक बेनिफिशियरी बताया जा रहा है, वैसे भी अपने आप में अलग अलग न्यूज़ फ्लो भी इसके अंदर है, जिसमें बाड़मेर में ये विस्तार की योजना कुछ है इनकी और ये पॉजिटिव समझी जा रही है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी इस पर आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग की गई है। 299 का टारगेट इस पर आप रखें, खरीदारी करें, 288 का एक स्टॉप लॉस भी रखना होगा। डेल्टा कॉप पे कैसीनो के वो लेके वापस बस जाएं कि दमन वाला जो इनका कैसीनो है उसको मंजूरी जल्द मिल सकती है। गोवा के बाद दमन दूसरा ऐसा कैसीनो होगा जो कि सबसे बड़े कैसीनो में से एक होगा और लिस्टेड कंपनीज में से इकलौती ऐसी कंपनी जो इस तरह के बिजनेस में ट्रेड करती है। 185 का टारगेट रख के खरीदारी की जा सकती है। बीपीसीएल आज इनकी बोर्ड की बैठक है, आज एचपीसीएल की बोर्ड की बैठक भी है जो कि डिविडेंड को लेकर है, इसलिए इन सब पे आप नजर रखें। इंटीरियम डिविडेंड दिया जा सकता है, 660 का टारगेट है। एमसीएक्स पर आप नजर रख सकते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया जो कि ओवरवेट किया है और 50 दिन की मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकल आया है, तो इस पर आप नजर रखें। 1195 यानी कि करीब करीब 1200 रुपये तक का टारगेट रख के खरीदारी की जा सकती है। रबड़ के प्राइजेस की बात अभी दीपाली कर रही थी, तो सीएट पे आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने अच्छी खासी बढ़त आती हुई देखी है और एक फंड हाउस ने भी इसमें हिस्सेदारी को बढ़ाया है, तो 1315 तक का टारगेट रखें। इसका एक और एंसिलरी भी है, गोवा कार्बन जो कि कार्बन प्रोवाइड करता है यूजली टायर कंपनीज को, तो इनके लिए भी एक अच्छा फायदे का सौदा साबित हो सकता है, इस पर भी इम्पैक्ट आएगा। 115 रुपये तक ये भी आज चला जाएगा और 110 का छोटा शेयर है इसलिए मोमेंटम ज़्यादा दिखाएगा, इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। श्री इंफ्रा पे भी नजर रख सकते हैं, सूत्रों के वाले से खबर है कि कंपनी को ऑर्डर भी मिल सकता है और 50% ज्यादा कैश डिलीवरी रखता है, तो एक पुलबैक का कैंडिडेट ये भी है। 92 का टारगेट इस पे भी रखें। सिंफनी कल क्लोजिंग में काफी अच्छा चला था, आज फिर से चल सकता है, गर्मी शुरू होने से पहले ठीक हमने कमर्शियल और हाउसिंग दोनों ही स्पेस में अच्छे ऑर्डर्स की बिडिंग देख रहे हैं, 1550 तक का टारगेट है। अतुल ऑटो आखिरी शेयर होगा इस लिस्ट में जिसको आपको बाय करना है, गिरते बाजार में भी ऊपरी स्तर पर जाके बंद होने में कामयाब हुआ और 56% की डिलीवरी इसके अंदर है, तो एक्सपेक्टेड है आज फिर से थोड़ा मोमेंटम दिखाएगा जी।
शुक्र है डिम्पी आपका। तो ये 10 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं स्टॉक्स फास्ट 50 के। अब इनफैक्ट निफ्टी के लेवल्स को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अब इंडिकेटिव एक्शन में 26 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 9057 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए यानी 9050 के भी ऊपर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर महाजन, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। ये इंडेक्स भले ही रिकॉर्ड हाईस का काफ़ी नज़दीक ट्रेड कर रहे हों, लेकिन अगर नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करनी हो स्पेशली मिड कैप्स में या फिर लार्ज कैप्स में, तो आपके अभी रिकमेंडेशंस क्या हैं? हमें लगता है कि वी आर इन द राइट स्पेस। वी विल बी सीइंग ए मल्टी ईयर ग्रोथ, और अगर आप सही स्टॉक में रहे तो 20-25% रिटर्न इज वेरी मच इन द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी। डेफिनेटली द लार्ज कैप हैज गॉट ए रिच वैल्यूएशन। मिड कैप में वाइल पीपल में बी टॉकिंग अबाउट रिच वैल्यूएशन, बट वी बिलीव इन केस यू आर देयर इन द राइट स्पेस रिटर्न कुड बी फिनोमिनल। फोकस शुड बी इन मिड कैप, पर्टिकुलरली इन केमिकल स्पेस। केमिकल स्पेस में कोई भी कंपनी लार्ज कैप स्पेस में नहीं है। वी अर्लियर स्पोक दैट केमिकल विल सी ए मल्टी ईयर बुल रन। ऑटो एंसिलरी इज अगेन ए स्पेस जहाँ पर काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल मिल सकता है। यू स्पोक अबाउट एजिस लॉजिस्टिक्स विच हैव बीन आर प्रेफर्ड पिक, दैट रिमेन्स आर प्रेफर्ड स्टॉक इवन एट करंट लेवल दो दी स्टॉक प्राइसेज रन अप। ऑटो एंसिलरी वी आर लुकिंग एट स्टील शिप्स एंड व्हील्स। और केमिकल स्पेस में स्टॉक्स टू लुक फॉर एट दिस पॉइंट इंक्लूड आरती इंडस्ट्रीज, फिलिप्स कार्बन एंड पीआई इंडस्ट्रीज। जी, ले इस बीच हमारे साथ अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी श्री रजनीश कुमार जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश जी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हम सबसे पहले ये जो हाउसिंग सेक्टर है उसकी बातचीत करते हैं, बिकॉज प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं और होम लोन्स के ऊपर सब्सिडी का जो प्रस्ताव है, हालांकि ऑब्वियसली इट कम्स विद वेरियस ब्रैकेट्स, लेकिन आप इसका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं? क्या इससे वाकई डिमांड में इजाफा होता आप देख रहे हैं क्या लोन्स की? नहीं, ये तो एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से सुविधा है, और जिसका जो है मैं समझता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो है उसके लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है इसका। जैसे आपको मालूम होगा कि तीन डिफरेंट इनकम ग्रुप है, एक 6 लाख तक, 6 से 12 लाख और 12 से 18 लाख, और जो प्रॉपर्टी का एरिया भी है वो 30 से 60 स्क्वायर मीटर से लेकर और 110 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। और मैक्सिमम सब्सिडी ऑफ कोर्स अप टू 6 लाख हाउसिंग लोन, और जो 6 से 12 लाख का इनकम ग्रुप है उसमें 9 लाख तक का लोन, और जो 12 से 18 लाख है उसमें 12 लाख तक का लोन। और सब्सिडी का अमाउंट भी डिफर करता है फिर 6.5% से लेके, और मैक्सिमम जो हाइएस्ट ब्रैकेट है उसमें 3% हो जाता है। तो एक मैक्सिमम ब्रैकेट में 2,70,000 तक की सब्सिडी जो है वो मिल सकती है। जी रजनी जी, दो चीज़ें और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि क्या वो सभी एप्लीकेशंस कंसिडर की जाएंगी इस स्कीम के तहत जिन्होंने साल के शुरुआत से अप्लाई किया हुआ है, और दूसरा ये कि जो सब्सिडी बैंक्स देंगे क्या ये सरकार की ओर से किसी भी फॉर्म में रिम्बर्स होगा? बैंक नहीं देंगे सब्सिडी, तो नेशनल हाउसिंग बैंक देगा, और उसका बजटरी प्रोविजन सरकार ने अपने बजट में किया है। ये सब्सिडी स्कीम पहले भी एनएचपी एडमिनिस्टर करता था, अभी भी वही एडमिनिस्टर करेंगे। लोन्स हम लोग सैंक्शन करेंगे, सब्सिडी उनसे क्लेम करेंगे। ओवरऑल सर, आपको सिनेरियो इस समय क्या लग रहा है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन रियल एस्टेट में खासकर होम लोन्स की डिमांड जो है उसमें Q4 में आपने किस तरह का ट्रेंड देखा है? Q4 में हाउसिंग लोन में वैसे तो काफी कुछ सैंक्शंस तो टेक ओवर के हैं, लेकिन अभी डिमांड पिकअप होने की संभावना हम लोगों को लग रही है, क्योंकि जो पीरियड था लोग वेट कर रहे थे कि प्राइसेस गिरेंगे या इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब इसके आगे जो हम लोगों का अनुमान है, अब हाउसिंग लोन या हाउसिंग के प्राइसेस गिरना भी अब इससे ज्यादा संभावना नहीं है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मोर और लेस स्टेबल है। तो जिनको मतलब जो इसको बोलते हैं ना फैंस सिटर्स, कि लोग वेट करते रहते हैं, तो अब वो लोगों को मुझे लगता है कि अपना निर्णय लेना चाहिए और घर जो है लेना चाहिए। बाकी जो इन्वेस्टमेंट करते थे लोग, क्योंकि घर लिया इन्वेस्टमेंट पर्पज से और बेच दिया, उस तरह की डिमांड अभी कम है, लेकिन जो एक्चुअल बायर्स हैं जो उस घर में रहेंगे यूज करेंगे,
वो डिमांड अब पिकअप होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सो एसबीआई जो कि ऑब्वियसली सेगमेंट में सबसे बड़े प्लेयर हैं, उनका ये अनुमान है कि ये जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके बाद जो जेन्युइन फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनकी डिमांड में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, और वैसे भी वो ट्रैक्शन इनफैक्ट Q4 में भी होम लोन सेगमेंट में देखा गया है। SBI इस समय करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करते हुए, मानस आपको कैसा लगता है SBI? देखिए ट्रेडिंग के तौर पे तो नहीं, लेकिन अगर आपका आउटलुक मीडियम टर्म है तो डेफिनेटली SBI एक बढ़िया कैंडिडेट है। PSU बैंकिंग में अगर देखिए तो दो ही तीन बैंक ऐसे लगते हैं जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरीन रिटर्न्स मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आपका ट्रेडिंग का आउटलुक है तो 280 एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखने लगा है, तो उसके ऊपर ही आपको एक ट्रेड लेना चाहिए। बट अगर मीडियम टर्म आउटलुक है तो आप उम्मीद करिए कि 6 से 8 मंथ में आपको 310 से लेकर 320 तक के स्तर SBI में देखने को मिलेंगे। लोअर लेवल पर एक बड़ा सपोर्ट 250 के आसपास देखने को मिल रहा है जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। जी सुनील, ये HCLT को माइंट्री दोनों आपको कैसे लग रहे हैं? एक बायबैक की अनाउंसमेंट कर चुका है ₹1000 के प्राइस बैंड में HCL टेक्नोलॉजीज, और माइंट्री की मंडे को बोर्ड मीट है, और ये दोनों स्टॉक्स कल चले थे और आज भी इंडिकेटिव एक्शन में 1% 1.5% तक की बढ़त दिखा रहे हैं, क्या व्यू है दोनों स्टॉक्स पर? सी शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ ये बायबैक के कारण थोड़ा प्राइजेस को सपोर्ट लगा है, बट बिजनेस वाइज अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट विजिबल नहीं है। नो डाउट ये विजिबिलिटी क्लियर होने में मुझे लगता है कि 6 से 8 महीना और थोड़ी टाइम लगेगा और उसके बाद में रिवाइवल देखा जाएगा। बट करंट पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है मे बी फॉर 3 to 6 months, तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स मोर ऑफ अ रेंज बाउंड रहेंगे और एक कोई इसमें कोई बड़ा यहाँ से तेजी आने का इमीडिएट पीरियड में कोई तेजी नज़र नहीं आ रही है। जी इस बीच एक बार आप देखिए हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक ने कल जो डिविडेंड अनाउंस किया है स्पेशल डिविडेंड, उसके बाद आज अच्छी तेजी है, करीब 2.5% ऊपर ये समय है। वेदांता करीब 2% ऊपर आज इंडिकेटर टेक्स में, इनफैक्ट वेदांता ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स जो हैं उसमें अगर आप देखें तो रुझान अच्छा है। हरी आपका व्यू क्या है हिंदुस्तान जिंक पर? नहीं, मैं हिंदुस्तान जिंक पर तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, बिकॉज यू नो मैं तो आई लुक एट इट एज अ काइंड ऑफ अ डाइवेस्टमेंट। हिंदुस्तान जिंक को डाइवेस्ट करना तो काफ़ी मुश्किल है, तो आई थिंक दे हैव अडॉप्टेड द इजियर रूट ऑफ पेइंग अ हैवी डिविडेंड, तो ये तो एक तरह का डाइवेस्टमेंट ही मैं समझता हूँ। तो मैं तो हिंदुस्तान जिंक में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। मुझे वेदांता काफ़ी और अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह से वेदांता ग्रुप जो है इवॉल्व हो रहा है ना, वो लोग यूके में एंग्लो अमेरिकन ग्रुप पे एक बड़ा स्टेक ले रहे हैं, तो एक कमोडिटी सुपर मार्केट की तरह वेदांता आई थिंक ग्रेजुअली एमर्ज हो रहा है। तो वेदांता डेफिनेटली येस, जब कमोडिटी अपसाइकिल स्टार्ट होगा सबसे ज़्यादा फायदा वेदांता को होगा। हिंदुस्तान जिंक आई थिंक इट्स अ स्टॉक आई वुड रादर अवॉइड।